ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। यह हादसा मंगलवार रात हुआ था। अब तक जो लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं, उनके जिंदा बचने की उम्मीद कम ही है। हादसे में अब एक नया खुलासा हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम को चिट्ठी लिखी गई थी। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को खत लिखे जाने के बाद भी अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्डिंग हादसे के बाद अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके खिलाफ NSA लगेगा। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वो ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लें, और अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है या जो डेड बॉडीज उनको हम निकाल लें बाहर। सीएम साहब के स्तर से भी इस पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश हो चुके हैं और इसमें पूरी समग्र जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो सभी पहलू की जांच, इसमें विस्तृत जांच की जाएगी और तदनुसार इसमें अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। हादसे के बाद OSG पद से विभा चहल को हटा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक परियोजना अख्तर अब्बास जैदी और प्रबंधक परियोजना VP सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा हादसे की जांच अब मेरठ के डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है। NDRF की 4 कंपनियां मलबा हटाने में जुटी हुई है। इस बीच मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।